कहा गया है कि हुनर का सम्मान पूरी दुनिया करती है। ये कहावत भोजपुरी फिल्म गुंडा में डेब्यू करने वाले अभिनेता विनोद यादव के मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। गोरखपुर में एक किसान के घर जन्म लेने वाले विनोद यादव अपने हुनर और मेहनत के दम पर आज इकबाल बख्श की फिल्म गुंडा में भोजपुरी स्क्रीन पर डेब्यू कर रहे हैं, जो जून में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ को रोल मॉडल मानने वाले विनोद को अपने इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। इसी सिलसिले में जब विनोद ने अपना पहला इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए। विनोद कुमार से बातचीत का हिस्सा एक सीधा साधा युवक कैसे गुंडा बन जाता है, उसका हर्ष क्या होता है, इसी को फिल्म कहानी गुंडा में दिखाया गया है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कही। विनोद ने कहा कि इसमें मैं लीड रोल में हूँ, मेरा किरदार बहुत प्रभावशाली है। ये फिल्म आपको रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म गुंडे की याद दिला सकती है, लेकिन हमारी फिल्म उसको कॉपी नहीं कर रही है। ये भोजपुरी समाज के बीच की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहतरीन है, जो दर्शकों में उत्सुकता पैदा करेगा। बचपन तंगहाली में गुजरी, पिता किसान हैं लेकिन बचपन से ही फिल्मों में आना चाहता था। अभिनय मुझे भाती थी और यही वजह है कि मैंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, सेल्फ एक्टिंग की, जिसका फल मुझे सिकंदर खान प्रोडक्शन हाउस से मिला। हालांकि मैंने पहले कोशिश की थी, लेकिन तब मुझे ऑफर होने वाला किरदार पसंद नहीं आया। मेरी सोच शुरू से रही है कि जिस फिल्म में लीड रोल मिलेगा मैं उसी में काम करूंगा। वेल, जाते जाते बता दें कि फिल्म में दो हीरोइनें हैं, एक हैं गुंजन पंत और दूसरी हैं अंजुना सिंह। इंडस्ट्री में आते ही विनोद यादव को इंडस्ट्री की दो सुपरहिट हीरोइनों के साथ काम करने का मौका तो मिल गया है, लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि निरहुआ को रोल मॉडल मानकर इंडस्ट्री में एंट्री लेने वाले विनोद यादव निरहुआ जैसी छवि इंडस्ट्री में बना पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।